हर समय साफ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किचन में काम करने का हर एक का अपना एक तरीका होता है। कुछ महिलाएं खाना बनाते टाइम पूरा किचन अच्छे से अरेंज करके रखती हैं, पता ही नहीं चलता कि खाना भी बनाया गया है। और कुछ महिलाएं ऐसे ही होती हैं जो खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा किचन फैला देती हैं। तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, अपना अपना काम करने की कैपेसिटी होती है। किचन को हमेशा साफ़ सुथरा, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड दिखाने के लिए आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके किचन में अरेंजमेंट भी दिखाई देगा और क्लीन भी दिखाई देगा। हमेशा दुखी होने से काम नहीं चलेगा, ये टिप्स आपको फॉलो भी करनी पड़ेंगी। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में बहुत मुश्किल है ये चीज़ किचन, क्योंकि घर का सबसे ज़्यादा गंदा हिस्सा किचन ही होता है और इसको साफ़ करने में हमारी मतलब हम बहुत ज़्यादा सरदर्दी महसूस करते हैं। अपनी लाइफ कुछ आसान बनानी है ना, तो कुछ बेसिक से टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उनको फॉलो कीजिए और आप अपनी लाइफ आसान बना लेंगे, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, चैनल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब भी आप किचन में आते हैं तो सबसे पहले अपने काउंटर को क्लियर कीजिए। जो भी अप्लायंसेस रखे हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दीजिए। जितना साफ़ सुथरा आपका काउंटर होगा उतनी ही ज़्यादा सफाई किचन में दिखेगी और अरेंज भी दिखेगा। तो ये जो भी जैसे मिक्सर होते हैं जिनको आप कभी कभार यूज़ करते हैं या फिर आपने निकाला तो उसको अपनी जगह पे रखिए। ये नहीं कि उसको पूरा दिन पड़ा रहने दो और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, कुछ कुछ जैसे हम रखते ही रहते हैं, तो वो चीज़ ना कीजिए। जो भी आपके काउंटर पर जितना भी सामान पड़ा है उनको अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए। यहाँ तक कि जैसे ऑयल हो गया, जो भी छोटी मोटी चीज़ है, मैं तो चाहती हूँ कि वो सारा का सारा आप वहाँ से हटा के किसी जैसे कैबिनेट है तो वहाँ उसमें रख दीजिए। इससे होगा क्या ना, तो वो विजुअल जो क्लटर है ना वो दिखेगा नहीं और आपका किचन बहुत ही ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखेगा। ये देखिए मैंने हटा दिया है तो काफ़ी कुछ मतलब साफ़ सुथरा दिख रहा है। किचन से गंदी स्मेल ना आए इसके लिए आप डेली, मैं तो ये डेली रूटीन ये फॉलो करती हूँ कि जो भी कचरा होता है वो रात को ही फेंक के आ जाओ, क्योंकि पूरी रात कचरा सड़ता रहता है और उसमें से बदबू आने लगती है। तो इसलिए ये रूटीन आप ज़रूर फॉलो कीजिए। कुकिंग ख़त्म कर ली है ना तो तुरंत अपना बर्तन साफ़ करके निपटा दीजिए काम, क्योंकि पड़े रहेंगे ना तो धीरे धीरे एक एक करके बर्तन जमा होने लगता है और ढेर लग जाता है, तो वो बहुत ही मतलब बेकार लगता है। वर्किंग वूमेन है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो इस चीज़ को आसानी से फॉलो कर सकती हैं। बर्तनों के साथ साथ सिंक एरिया के आसपास जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना सबको क्लियर कीजिए, सबको साफ़ कीजिए। नल हुआ, अपना वाइपर हुआ, जो भी हुआ, सिंक को दिन में कम से कम दो बार जरूर से साफ़ कीजिए। इससे होगा क्या ना, आपका सिंक साफ़ सुथरा दिखेगा और किचन भी आपका ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा मस्त दिखेगा। ऐसा करने से ना कॉकरोच और जो मक्खी मच्छर आते हैं ना सिंक के अंदर से, वो भी नहीं आएंगे। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। डेली के डेली अपना सिंक को साफ़ सुथरा करके और एकदम कपड़े से पोंछ के और इसको रखिए ऐसे करके। तो ये देखिए मैंने बर्तन हाथों हाथ जैसे धो दिए, ब्रेकफास्ट बनाए तो धो दिए और उसके बाद सिंक क्लीन कर दिया। और अब इसके बाद देखिए मैं ना गैस को डेली साफ़ करती हूँ, दिन में दो बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तब, और रात को तो मैं पूरा का पूरा किचन अपना साफ़ करती हूँ। रात का मैं रूटीन अपना किचन रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी मैं, किस तरीके से मेरा किचन रूटीन होता है। तो गैस को आपको ज़रूर साफ़ करना, कोई भी क्लीनर ले लीजिए, मैं ऑल पर्पज़ क्लीनर यहाँ पे यूज़ करती हूँ, जिससे ग्लास वगैरह और स्लैब वगैरह सब साफ हो सके। और अपना क्लीनर ऑल पर्पज़ क्लीनर कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो अपना गैस है वो एकदम क्लियर रखिए, सारा का सारा जो भी अगर कुछ गिर जाता है, जैसे कुछ भी दूध गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो तुरंत उसको साफ़ कीजिए। सूखने से पहले उसको तुरंत साफ़ कीजिए। गैस के जो बर्नर होते हैं उनको जैसे डेली थोड़ा थोड़ा जैसे धो लीजिए, मतलब एकदम ऐसे परफेक्ट आपको चमकाना नहीं है, जस्ट उसमें जैसे होल होते हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाते हैं, तो उनको जैसे वो करने के लिए ब्रश से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इतना मतलब चमकाने की कोशिश मत कीजिए, हल्का हल्का उसको रगड़ के और अपना यूज़ कीजिए डेली के डेली। किचन कैबिनेट्स को डेली साफ़ कीजिए, हार्डली इसमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आप अपने कैबिनेट्स को डेली साफ़ कीजिए। ऐसा करने से आपको एक दिन निकालना नहीं पड़ेगा कि अलग से मैं किचन कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जो पानी के छींटे जाते हैं, जो भी सब्ज़ी के छींटे जाते हैं, तो हमारे कैबिनेट्स बहुत गंदे हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए हर ऑल्टरनेट डेज या डेली जैसे भी आपका मतलब टाइम लगता है, आप इनको भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए।
अगर आप सब्जी जैसे काट रही है ना, तो हाथों हाथ उसमें एक मतलब अलग से डब्बा रख लीजिए छोटा सा, और उसमें ना हाथों हाथ उसके जो छिलके हैं वो डालते रहिए, और उसको फिर अपने डस्टबिन में बाद में डाल दीजिए। ऐसा करने से ना पूरा आपका किचन है ना साफ़ सुथरा ही दिखेगा, अलग से मतलब ऐसा बिखरा हुआ सा नहीं दिखेगा। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं हमेशा ऐसे जैसे ये डब्बा रखा है ना मैंने वाइट कलर का, ये रखा है मैंने, और इसमें जो भी छिलके होते हैं वो हाथों हाथ में इसमें डालती रहती हूँ, और जब पूरी सब्ज़ी अब मैं काट कूट के और फिर अपना उसमें डस्टबिन में डाल देती हूँ। जब भी आप तड़का मारते हैं ना इस तरीके से ढक्कन लगा दीजिए, तो जो भी छींटे हैं वो गिरेंगे नहीं इधर उधर दीवारों पर, आपको साफ़ करने का झंझट नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे ही वो तड़का बन रहा है ना, इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना कि हाथों हाथ जो भी छोटे मोटे बर्तन है ना थोड़े बहुत उनको मैं हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ, और इस तरीके से जैसे गैस की सफाई कर दीजिए, जो भी तड़का इधर उधर मतलब बिखरता है, ऑयल बिखरता है, इस तरीके से मैं सफाई करती रहती हूँ साथ साथ में। इस तरीके की बास्केट का यूज़ कीजिए, जैसे सफाई करना ना बहुत आसान हो जाता है अगर आप बास्केट का यूज़ करती हैं हमेशा। जैसे ये तेल की बोतल है, इसको मैं जैसे बास्केट में रखती हूँ और नीचे इसके लगा देती हूँ, इसे नैपकिन लगा देती हूँ, कोई भी कागज़ का टुकड़ा लगा दीजिए। ऐसा करने से ना इसमें जो भी जैसे ड्रॉप्स गिरती हैं जब हम तड़का मारते हैं, तो इसमें से थोड़ा बहुत अगर तेल निकलेगा भी ना तो भी इसमें रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।